सर, तो आज हमने जो लास्ट डे जो लास्ट पेपर था एम्स 2020 का, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। तो इस पेपर में टोटल 200 MCQs हैं जो कि आपके अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्सेट जो एम्स का 2020 का पेपर है फरवरी का, बट जो नॉर्सेट है वो एक ही बार अभी तक हुआ है, 2020 सेप्टेम्बर में हुआ था। अब इस बार फिर से होने वाला है, तो 20 नवंबर आपकी डेट दी हुई है एग्ज़ाम की, फॉर्म फिलअप हो रहा है। जिन भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो हमने इसके पहले तक है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेक्शन, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसको कवर अप कर लिया था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्शन रखा गया है इसमें सेक्शन न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे, और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो देखेंगे। मिडवाइफरी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहाँ पर इस पेपर में आपके कवर अप हो जाएंगे। और आज इवनिंग में कर्नाटक CHO का बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, सेकंड नहीं अपलोड किया, तो कर्नाटक CHO का पेपर आज इवनिंग में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इन पेपर्स को जो नॉर्सेट देने वाले हैं उनके अलावा अदर कैंडिडेट भी देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, और जो भी लोग एम्स के पेपर परचेस करना चाहते हैं वो पेपर परचेस कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर्स के लिए 260 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, मोर देन 20 सॉल्व पेपर रहेंगे सभी। एंड यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो पेपर है इसी टाइप के पूरे पेपर रहेंगे, तो आपको याद रखना है कि पेपर किस टाइप से रहेंगे। तो ये आपको ये टाइप्ड फॉर्मेट है, जो पेपर मेमोरी बेस्ड रहेंगे वो इस टाइप से रहेंगे, और जो ऑफिशियल पेपर हैं वो इस टाइप से रहेंगे। तो सभी पेपर मोर देन 20 पेपर आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें कुछ एम्स में 100 MCQ में पेपर आया है, कुछ में 200 में। तो इस तरीके से मिला के आपके 2500 तक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, एज यू आप लेना चाहते हैं ठीक। अदरवाइज़ मैं पूरे पेपर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आंसर सबको पता होगा, बट जिन भी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये ऐसा क्यों होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको रेशनल की ज़रूरत होती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और जो प्राइमरी प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए, प्रोटीन के टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑप्शन में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेप्टिडेज या फिर काइमोट्रिप्सिन। तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि गैस्ट्रिक जूस में रहेगा और वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल भी है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, तो वो क्या है, पेप्सिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेकंड, पेप्सिन। नेक्स्ट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स। तो इमल्सिफिकेशन होता है यदि लिपिड का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन में गैस्ट्रिक लाइपेस, पेप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेस या फिर बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी लिपिड के इमल्सिफिकेशन के लिए। इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी लिपिड के लिए, तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाइल सॉल्ट की। तो जो इमल्सन प्रोसेस होती है, इमल्सन की प्रोसेस में क्या होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्स किए जाते हैं, और उनके लिए क्या, एक सेपरेट फेज में लाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन। तो जब लिपिड का इमल्सिफिकेशन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, बाइल सॉल्ट की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है फैट, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी। तो सभी को पता है कि फैट कितने कैलोरी की, जो वन फैट है कितने कैलोरी देता है, 9 कैलोरी। इसी के अकॉर्डिंग, और जो यहाँ पर अदर दिए हुए जिंक, विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये बॉडी के अदर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, बट एनर्जी तो आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही मिलेगी। तो जो 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी आपको मिलती है अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फैट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो प्रीकर्सर क्या है विटामिन ए का, ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, बीटा कैरोटीन, थायामिन या फिर रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है वो है बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट इज
एन एवरेज हेल्दी पर्सन विथ नो डिसीज शुड आइडियली गेट हाउ मच ऑफ हिज डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम हेल्दी फैट। तो यहाँ पर एक कोई हेल्दी पर्सन है, हिज या फिर हर भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो डेली रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसको डेली कितने फैट की ज़रूरत पड़ेगी एक हेल्दी पर्सन के लिए, कितना फैट है जो लेना चाहिए। ऑप्शन में 50-60%, 70-80%, 20-30% या फिर 5-10%। तो एक हेल्दी पर्सन को डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से एटलीस्ट 20-30% फैट है जो लेना चाहिए। नेक्स्ट इज इन विच ऑर्गन डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ड्यूडेनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज, केमिकल नेम ऑलरेडी आपको पूरे विटामिन के पढ़ा चुके हैं, कई सेपरेट वीडियोज भी अपलोडेड हैं। तो विटामिन बी वन का केमिकल नाम क्या है, थायामीन। क्या है, थायामीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको लग रहा है कि न्यूट्रिशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये इस एम्स के पेपर को बस नहीं, अभी तक जितने एम्स के पेपर हुए हैं या फिर नॉर्सेट 2020 हुआ था उसमें आपके 25-30 क्वेश्चन वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी सेम वही चीज़ रिपीट होने वाली है आपको, क्योंकि सिलेबस जिस टाइप से लास्ट टाइम बताया था वही इसी टाइम भी आपको बताया गया है। न्यूट्रिशन आएगी आपको, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आएगी और MSN भी आएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी आएगी, बट आपको सभी टॉपिक अपने कवर करके रखना है। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स स्ट्रेस एलिमेंट है वो क्या है, इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, तो जिंक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमने पढ़े हैं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, नियासिन, थायामिन, पायरिडॉक्सिन। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं विटामिन्स, और यहाँ पर पूछा है कि अमीनो एसिड, तो जो अमीनो एसिड है इनमें वो कौन सा है, तो वेलिन। कितने होते हैं टोटल, आई थिंक 10 होते हैं, मिथायोनिन, थायोनिन, वेलिन, फेनालिनिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन एंड ल्यूसिन। तो ये क्या हैं, सभी अमीनो एसिड हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो इनमें से कौन से हैं, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं यहाँ पर, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल होते हैं, तो एसेंशियल टोटल 10 होते हैं और बाकी के नॉन एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए स्टार्टिंग के तीन क्या हैं, विटामिन है, और जो लास्ट में वो क्या है, वेलिन, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है। नेक्स्ट इज कैलोरीज जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी हमने पढ़ा कि फैट कितना 20-30% लेना चाहिए, तो और पढ़ा कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलती है, तो वो है फैट। अब क्वेश्चन है कि 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी जनरेट होती है, तो टोटल 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलती है, और फैट पूछते हैं तो 9 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट सेक्शन आता है MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग के जितने भी सेक्शन रहे हैं, सब्जेक्ट रहे, उन सभी के क्वेश्चन कवरअप किए गए हैं 200 MCQ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर कैटेगरी की मेडिसिन है। ऑप्शन में रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, पेंटाप्रोजोल या फिर सुक्रालफिड। तो जो मेडिसिन है प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, इनमें से वो क्या है, पेंटाप्रोजोल, जो कि HCL का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करता है और एसिडिटी को रोकने में हेल्प करती है, पेंटाप्रोजोल। नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो डायबिटीज इंसिपिटस किसके कमिंग के कारण हो, किस हार्मोन की कमिंग के कारण होती है, तो होती है एंटी डायोरिक या फिर वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है, एंटी डायोरेटिक या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑप्शन में ग्लूकागोन, इंसुलिन या फिर रेनिन। तो इंसुलिन के कारण क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण हो रहा है, एंटी डायोरेटिक या फिर ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर द नेम ऑफ द सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम हेड ऑफ पैंक्रियास, गाल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट्स इज कॉल्ड। तो ऐसी सर्जरी का नाम आपको बताना है कि जिसमें ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम, हेड ऑफ पैंक्रियास, पूरी पैंक्रियास नहीं, ओनली हेड ऑफ पैंक्रियास, गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये क्या है, ऑप्शन में है अपेंडेक्टॉमी,
लंपेक्टोमी, डिसेक्टोमी या फिर पेंक्रिया ड्यूडेनोटॉमी। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पेंक्रियाज भी पार्ट पेंक्रियाज का भी रिमूव हो रहा है, ड्यूडेनम भी हो रहा है, गॉल ब्लैडर भी हो रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, पेंक्रियाटो ड्यूडेनोटॉमी। नेक्स्ट इज बेल्स पाल्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रैनियल नर्व। बेल्स पाल्सी किस क्रैनियल नर्व के डिसऑर्डर के कारण होता है, इसमें फेशियल पैरालिसिस होने के चांसेस भी होते हैं। तो वो सेवेंथ क्रैनियल नर्व और फेशियल नर्व, तो यहाँ पे सातवें नंबर की क्रैनियल नर्व या फिर फेशियल नर्व के डिसऑर्डर के कारण बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज। जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, ऑप्शन में मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, इंटरनल ब्लीडिंग, कंपार्टमेंट सिंड्रोम या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का वो क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू द प्लाज्मा। तो कौन सा सोल्यूशन ये काम करेगा कि सेल्स का जो वाटर है उसको प्लाज्मा में शिफ्ट करेगा, ऑप्शन में एल्केलाइन, हाइपोटोनिक, एसिडिक या फिर हाइपरटोनिक। तो जो सोल्यूशन ये काम करेगा सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट करेगा तो वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी एग्जाम में आता है, यूनिवर्सल डोनर भी आता है कि जो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दे और जो किसी का भी ले ले वो रेसिपिएंट होगा। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किस कैटेगरी के हैं, ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव वाले क्या हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ए बी क्या हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होंगे। और यूनिवर्सल डोनर जो कि अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दें तो वो हैं ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। नेक्स्ट इज अ लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो जब यूरिन किसके कारण, या तो आपके कुछ मेंटली प्रॉब्लम है या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन पास आउट नहीं हो रही है तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन में है सॉरी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, अर्ग इनकॉन्टिनेंस या फिर रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पर कॉग्निटिव और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण ये चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं तो क्या होगा, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज व्हाइल असेसिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट द बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है, GCS स्केल है, कॉन्शियस लेवल के लिए चेक करने को यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पर्सन जो बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप उसके लिए कितने स्कोर देंगे। तो ऑप्शन में 3, 4, 5 और 6। यदि बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स की बात की जा रही है, जब आप कुछ भी कहेंगे तो वो उसी तरीके से आपकी कमांड को फॉलो करेगा। आप कहेंगे हैंडशेक कीजिए तो यदि वो प्रॉपर हैंडशेक करता है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, टोटल 6 स्कोर दे सकते हैं। यदि वो अपना हाथ हिलाने के लिए आप उससे कहते हैं हाथ हिलाइए बट उसको थोड़ा बहुत पेन फील हो रहा है, तब 5 देंगे। और वापस से यदि उसी हाथ को वापस ले जाता है तो और ज़्यादा दर्द हो गया, फिर एबनॉर्मलिटी होगी फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, और रिस्पॉन्स नहीं देगा जब, तब बंद स्कोर देना है हमें। तो ग्लासगो कोमा स्केल में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्लासगो कोमा स्केल चेक किया जाता है कॉन्शियसनेस लेवल को, और कॉन्शियसनेस में यदि मोटर रिस्पॉन्स अच्छा रिप्रेजेंट, अच्छा स्कोर है, मतलब पेशेंट प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो 6 स्कोर हम उसको देंगे। और यदि टोटल स्कोर की बात की जाए तो ग्लासगो कोमा स्केल में टोटल 15 स्कोरिंग होती है। कोमाटोस क्लाइंट रहते हैं जो जनरली, उनकी जो स्कोरिंग होती है 8 और उससे भी कम होती है, और जो अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट होंगे वो कितनी स्कोरिंग दी जाएगी, 3। तो 3 कैटेगरी याद रखना है इसमें, और चेक क्या किया जाता है, 3 चीज़ें चेक होती हैं ग्लासगो कोमा स्केल में, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। तो ये तीनों चीज़ें चेक की जाती हैं, और टोटल इनका यदि बेस्ट रिस्पॉन्स है तो 15 स्कोर दिया जाता है, और लेस देन 3 जाता है, मतलब कि पेशेंट क्या है, कोमाटोस कंडीशन में और अनरिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने की एबिलिटी खो देना क्या कहलाएगा, ऑप्शन में डिसअर्थ्रिया, एलेक्सिया, अटैक्सिया या फिर एग्नोसिया। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, डिसअर्थ्रिया, एलेक्सिया,
अटैक्सिया या फिर एग्नोसिया। तो डिसअर्थ्रिया का मतलब होता है स्लाइड स्पीच, एग्नोसिया का मतलब होगा यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप पहचान ही नहीं रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर अलेक्सिया, तो अलेक्सिया एक रेयर कंडीशन है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, जिसमें आप कुछ ब्रेन इंजरी या फिर कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ है उसके कारण पढ़ने में प्रॉब्लम होगी आपको, तो हो गई अलेक्सिया। एंड फिर आता है अटैक्सिया, तो अटैक्सिया का मतलब है यहाँ पर इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, आप प्रॉपर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपके मसल्स नर्व्स का ब्रेन से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर क्या इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। और एग्नोसिया का मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। डिसअर्थ्रिया का मतलब है स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लैंडुलर टिशू कैंसर, जिनमें से कौन सा है जो ग्लैंडुलर टिशू कैंसर है। ऑप्शन में है लिपोसार्कोमा, एडिनोकार्सिनोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। तो जो ग्लैंडुलर टिशू कैंसर है इनमें से वो क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरीड आउट बाय, जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो कहाँ पर बनती है, टी लिम्फोसाइट्स पे। तो आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड। नेक्स्ट इज द लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, तो लेटरल एस शेप्ड जो स्पाइन है आपकी उसका कर्वेचर कैसा हो जाए, एस शेप्ड में हो जाए, तो क्या कहलाएगा, स्कोलियोसिस। ऑप्शन में मस्कुलोसिस, काइफोसिस या फिर लॉर्डोसिस। तो जब कुवर टाइप से आ जाता है तो वो होगा काइफोसिस, और यहाँ पर एस शेप्ड कर्वेचर होता है स्पाइन का तब होगा स्कोलियोसिस। नेक्स्ट इज विच इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग अ मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू एंड विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट मासेस, तो कौन सा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि सेफ और उसमें कम रेडिएशन आएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट मास को चेक करेंगे। ऑप्शन में है सीटी स्कैन, लिम्फेनियोग्राम, एनजियोग्राम या फिर मेमोग्राम। तो ब्रेस्ट के लिए कहा है और कम रेडिएशन जाएगा, ना तो वो सीटी स्कैन से होगा, ना लिम्फोग्राम होगा, ना ही एनजियोग्राम होगा, वो क्या होगा, मेमोग्राम और मेमोग्राफी। नेक्स्ट इज बेरियम एनीमा इज यूज्ड मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ, तो बेरियम एनीमा किस के लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया, मतलब आपको पहले बेरियम खिलाया जाएगा उसके बाद एनीमा दिया जाएगा, तो किसके लिए, कोलोन के लिए। नेक्स्ट इज वाइल डूइंग कोलोस्टोमी इरीगेशन द हाइट ऑफ द इरीगेशन बैग शुड बी अराउंड, तो कोलोस्टोमी इरीगेशन में जो बैग की हाइट है वो कितनी होना चाहिए, 18 इंच, मोर देन 24 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट अराउंड पूछा है तो 18 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट द ऑटो स्क्लेरोसिस, तो ऑटो स्क्लेरोसिस को करेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा। ऑप्शन में है मैरिंगोप्लास्टी, मैरिंगोटॉमी, मास्टोइडेक्टॉमी या फिर स्टेपेडेक्टॉमी। तो स्टेपेडोक्टॉमी से क्या यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ऑटो स्क्लेरोसिस। ऑटो स्क्लेरोसिस की जो इसमें स्टेपस आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है बोन्स की, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ऑटो स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो इनर ईयर इन्फेक्शन वो सिचुएशन डेवलप होने लगती है, तो यहाँ पर ऑटो स्क्लेरोसिस को करेक्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाएगी, वो क्या होगी, स्टेपेडेक्टॉमी। जो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है पूरी बॉडी की, स्मॉल बोन होती है, स्टेपस कहलाती है, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द टर्म पायरोसिस इज रिलेटेड टू, तो पायरोसिस का मतलब होता है हार्टबर्न, क्या होगा, हार्टबर्न। डिसफेजिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, और यहाँ पर जो पस फॉर्मेशन है, पस फॉर्मेशन को एप्सिस टर्म यूज़ किया जाता है, और जो यहाँ पर डिसपेप्सिया है इसका मतलब होगा, तो डिसपेप्सिया का मतलब होगा यहाँ पर इनडाइजेशन, डिसफेजिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, और पायरोसिस का मतलब होगा हार्टबर्न, और पस फॉर्मेशन का मतलब होगा एप्सिस। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपल्स आर, तो कौन सी मेडिसिन है जो प्यूपल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगी, तो वो होगी मायोटिक्स। यदि डायलेट करने के लिए पूछते तो माइड्रियाटिक्स, और कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए पूछते हैं तो मायोटिक्स और म्यूटिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन आई अल्टर्स द साइज ऑफ द प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो आंखों का कौन सा पार्ट है जो प्यूपिल की साइज को रेगुलेट करेगा कि कितनी लाइट
उजेला है आपकी आंखों के अंदर जाना है। ऑप्शन में लेंस, कॉर्निया, रेटिना या फिर आइरिस। तो जो पार्ट है सभी चीज़ें रेगुलेट करेगा वो क्या है, आइरिस। नेक्स्ट इज ओवर द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इन विच देयर इज कंस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड इज एसोसिएटेड विथ यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड। ऐसी सिचुएशन और ऐसे इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम जिसमें क्या होगी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, थोड़ा थोड़ा एक दो दो बूंद यूरिन आप पास आउट कर रहे हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में है ओवरफ्लो, स्ट्रेस, फंक्शनल या फिर अर्क इनकॉन्टिनेंस। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये सिचुएशन कहलाएगी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज Using rule of 9, estimated burn size in an adult having birth injury to chest and stomach is how much percent? Rule of 9 से हमें burn size बताना है कि यदि burn area क्या है, chest और stomach है, तो कितने percent burn injury कहलाएगी, वो कहलाएगी 18%। Next is which of the following is a colloid solution? तो यहाँ पर colloid solution कौन सा है, तो colloid solution है यहाँ पर dextrose। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टमिक वैसोडायलिटिस एंड रिलेटिव हाइपोवोलेमिया। तो ऐसी सिचुएशन जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई हो, जिसमें सिस्टमिक वैसोडायलिटेशन भी होगा और हाइपोवोलेमिया भी होने के चांसेस हैं, तो ये क्या कहलाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़, यदि आगे का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जब भी एलर्जिक रिएक्शन की बात की जाती है तो आपको याद रखना है एलर्जिक रिएक्शन के कारण क्या होगा, एनाफिलेक्टिक शॉक होगा, ना कि कोई अदर सिचुएशन होगी। तो यदि आपको जब ऐसे केस में क्वेश्चन में कुछ भी डाउटफुल रहते हैं तो आप आंखें बंद करके भी क्या मार्क कर सकते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट इज यदि कुछ इन्फेक्शन के कारण होगा तब होगा सेप्टिक शॉक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो कौन सा एंजाइम है जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो वो है लाइपेज। क्या है, लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर रीजन, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कहा है कि जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है तो वो क्या है, डिफ्यूज़न। बट यहाँ पे कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यदि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते तब हम कहते हैं ऑस्मोसिस, बट यहाँ पर कहा है डायरेक्ट हायर टू लोअर में जा रहा है तो क्या है, डिफ्यूज़न। तो दोनों टर्म आपके क्लियर रहने चाहिए। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही डिफरेंस होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में, तो ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, क्योंकि MSN फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये आपको ज़्यादा आएगी एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एक्यूट पैंक्रीटाइटिस द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमेन एलिवेटेड फॉर 7 to 14 days। तो पैंक्रीटाइटिस की सिचुएशन में, एक्यूट पैंक्रीटाइटिस में कौन सा एंजाइम है जो कि 7 to 14 दिनों तक 1 or 2 weeks तक क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा। ऑप्शन में यूरिन एमाइलेज, सीरम एमाइलेज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर सीरम लाइपेज। तो जो एंजाइम का लेवल ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, सीरम लाइपेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टियल सिस्टाइटिस। तो कौन सा है जो इंटरस्टियल सिस्टाइटिस का मैनिफेस्टेशन नहीं है। ऑप्शन में क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी, इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी या फिर पेल्विस पेन। तो यहाँ पर जो इंटरस्टियल सिस्टाइटिस है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो इंटरस्टियल सिस्टाइटिस के लिए क्या है, क्रॉनिक पेनफुल ब्लैडर कंडीशन। याद रखें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या है, क्रॉनिक पेनफुल ब्लैडर कंडीशन है। तो जो कि कभी कभी UTI इन्फेक्शन के कारण हो जाती है, यदि UTI को हमने ट्रीट नहीं किया तो ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होगा लॉन्ग टाइम तक, यदि आपको UTI रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तब ट्रीट नहीं करते तो इंटरस्टियल सिस्टाइटिस हो सकता है। तो उसमें आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर सभी है किसी एक को छोड़कर, तो फ्रिक्वेंसी होगा, अर्जेंसी होगा, पैलेस पेन होगा, बट इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट इज
The disease that occurs due to the defect in the genes of one or other parents and is transmitted to the offspring is known as which kind of disease or disorder? तो ऐसी डिसीज जो कि पेरेंट्स के जीन्स में डिफेक्ट के कारण हुई हो, एक पेरेंट या फिर मदर या फिर फादर या फिर किसी भी पेरेंट्स के जीन्स में डिफेक्ट के कारण हुई हो, और जो डिसीज अपने ऑफस्प्रिंग में, जो उनकी होने वाली संतान है या फिर जो उनके बच्चे हैं उनमें होगी, तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन में कंजेनाइटल, ऑर्गेनिक, हेरिडिटरी या फिर एलर्जिक। इस टाइप की डिसीज क्या कहलाएंगी? हेरिडिटरी डिसीज। कंजेनाइटल वो होंगी जो एट द बर्थ होंगी, बट यहाँ पर कहा है कि जीन्स में डिफेक्ट के कारण हुई है, तो वो क्या है? हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसीज। नेक्स्ट इज टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द, तो टोनोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे क्या यूज चेक किया जाता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इससे चेक किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ, तो हीमोफीलिया किससे रिलेट करता है? ऑप्शन में क्रोमोसोम 11, वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 21 या फिर एक्स क्रोमोसोम। तो हीमोफीलिया किस क्रोमोसोम से रिलेट करेगा? एक्स क्रोमोसोम से। यदि क्लॉटिंग फैक्टर पूछते तो इसका क्लॉटिंग फैक्टर होता 8th, बट यहाँ पर कहा है किस क्रोमोसोम से रिलेट करेगा, तो एक्स क्रोमोसोम से। नेक्स्ट इज आफ्टर अ रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन दैट अकर्स विद इन मिनट इज कॉल्ड, तो रीनल ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजेक्शन देखने को मिलता है, वो भी कुछ मिनटों के अंदर देखने को मिलता है, उसको क्या कहेंगे हम? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। क्या होगा? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। और पूरे विश्व का सबसे पहला रीनल ट्रांसप्लांट अभी सक्सेसफुल हुआ है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं बट पिग टू ह्यूमन में। एक पिग की किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है एक ह्यूमन में, जो कि वेंटिलेटेड पेशेंट है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई बट उसके ऊपर टेस्टिंग की गई है, तो उसकी किडनी एटलीस्ट 3 डेज तक, पिग की किडनी है जो ह्यूमन की किडनी के लिए ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, तो अभी 3-4 दिन हो गए, अभी भी वो ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क कर रही है, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर वर्क करती है। और पूरे वर्ल्ड का ये पहला ऐसा केस है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन की किडनी नहीं बल्कि किसी दूसरे एनिमल की किडनी यूज़ की गई है। ये क्वेश्चन याद रखें, हो सकता है पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की, कि कौन सा एनिमल यूज़ किया गया है ह्यूमन टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जगह, कोई एनिमल यूज़ कर दिया है, तो क्या? पिग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, तो प्यूपिल डायलिटेशन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो वो ट्रॉपिकामाइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, तो मैंने जस्ट अभी बताया कि मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम होता है 15। तो यहाँ पर पूछा है मिनिमम पॉसिबल स्कोर क्या है, जो तो कितना होता है 3। नेक्स्ट है यहाँ पर द बॉयज बॉक्स इज नोन एज, तो बॉयज बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, तो वो है लैरिंग्स। नेक्स्ट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीबीटी इज अ ब्लॉक इज नोन एज, तो मोस्ट कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, तो वो क्या है जिसमें कुछ ब्लॉकेज होने के चांसेस होंगे? ऑप्शन में फॉर्मेशन ऑफ वीनस अल्सर, क्रॉनिक ऑक्लूजन ऑफ वेन, गैंग्रीनस डेवलपमेंट ऑफ वेन या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पर डीबीटी का कॉम्प्लिकेशन भी कहा है और कुछ ब्लॉकेज भी कहा है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ब्लॉकेज किस में होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सिचुएशन में भी ये सिचुएशन होगी। नेक्स्ट इज पेनफुल स्वालोइंग इज नोन एज, तो पेनफुल स्वालोइंग के लिए यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया गया है? ऑप्शन में है डिसफेसिया, एडिनोफेजिया, अटैक्सिया या फिर डिसपेप्सिया। तो अटैक्सिया, डिसफेजिया और डिसपेप्सिया तीनों टर्म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है ऑर्डिनोफेजिया। तो यहाँ पर ऑर्डिनोफेजिया के लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है? पेनफुल स्वालोइंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेनफुल स्वालोइंग, जो कि आप कुछ लिक्विड या फिर फूड लेने में भी दर्द होगा। नेक्स्ट इज द एंटीडोट ऑफ वारफ्रिन, तो यदि वारफ्रिन ओवरडोज होता है तो एंटीडोट दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा? तो वो होगा विटामिन के। विटामिन के है एंटीडोट किसका? वारफ्रिन का। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर्स इज, तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, नॉन स्मोकर्स हैं, उनमें कौन सा कैंसर होने, लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ऑप्शन में स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा या फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो जो कार्सिनोमा नॉन स्मोकर्स में होने के चांसेस होते हैं, जो लोग कभी सिगरेट नहीं पीते हैं बट उनमें कैंसर हो गया, लंग कैंसर, तो वो क्या है? एडिनो कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड, तो यदि स्टोन है जो कहाँ पर हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाते हैं, तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा?
ऑप्शन में है किडनी लिथियासिस, स्टोन लिथियासिस, यूरोलिथियासिस या फिर कोलीलिथियासिस। यदि गॉल ब्लैडर में होते तो हम कहते कोलीलिथियासिस, बस यूरिनरी ट्रैक्ट में पूछा है तो क्या यूरोलिथियासिस। लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कोलीलिथियासिस कहते तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पूछा है तो यूरोलिथियासिस। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आए हुए हैं, 30 और 40 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, बाकी न्यूट्रिशन से 10 क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 10 क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए हैं। अब जो पोर्शन है वो साइकेट्रिक का, साइकेट्रिक से कितने क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। साइकेट्रिक का फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ पर्गिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इज कॉल्ड। तो ऐसे आप एक्ट करते हैं कि आपके इमोशंस क्या हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से उनको शो नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, कैथारसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट हु इज डायग्नोस्ड विथ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। कोई पर्सन यदि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन में है तो क्या चीज़ें उसमें डायग्नोज होंगी। ऑप्शन में इंटैक्ट मेमोरी, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, ओरिएंटेशन टू पर्सन प्लेस एंड टाइम। यहाँ पर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में आपके थॉट हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम के। तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में यहाँ पर क्या आप डायग्नोज करेंगे कि उसके थॉट्स हैं वो क्या हो गए, चेंज हो गए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट टेक प्लेस एट। तो एरिक एरिक्सन की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें 8 स्टेज रखी गई है, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस स्टेज के लिए रखा गया है, तो वह 3 to 5 years के लिए, जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन सिम्टम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी का साइन सिम्टम क्या नहीं है, नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म, फियर ऑफ जर्म और डर्ट, ऑब्सेसिव थॉट्स या फिर कंपल्सिव एक्ट्स। तो ओसीडी में क्या होगा कि आपको जर्म और डर्ट से डर लगेगा, इसलिए आप हो सकता है बार बार हाथ धुलते रहें, ऑब्सेसिव थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, तो उन थॉट जो थॉट आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे भी तो क्या होगा, कंपल्सिव एक्ट्स हो जाएंगे। बट यहाँ पर कहा है नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म, तो ऐसा नहीं है कि साइन सिम्टम नहीं है उसमें आपको सेल्फ हार्म से डर लगेगा, ना कि नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सैटिवा। तो कैनाबिस सैटिवा से क्या बनता है, गांजा, क्या बनेगा, गांजा। नेक्स्ट इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, ये वाला क्वेश्चन तो हर एक नर्सिंग के एग्जाम में रखा मिलता है कि विदाउट या फिर विथ एक्सटर्नल स्टिमुलाई पूछते हैं, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई पूछते हैं, तो यहाँ पर क्या है, विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई के फॉल्स सेंसरी परसेप्शन आते हैं, तो क्या है, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज अ पेशेंट एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड रिफ्यूज टू ईट हर लंच स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक पर्सन साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि उसको अपने लंच में जहर मिला हुआ है, वो ये मान रहा है, एडमिट कर रहा है इस चीज़ को, तो किस टाइप का रिस्पॉन्स है। ऑप्शन में है हेलिसिनेशन, सिंपैथी, एल्यूजन या फिर डिल्यूजन। तो ये डिल्यूजन है क्योंकि उसके खाने में कुछ भी नहीं, खाना प्रेजेंट है सामने, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, बट उसमें जहर नहीं है, तो ये क्या होगा, डिल्यूजन हो गया। नेक्स्ट इज द ला वेलर इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू। तो ला वेलर इंडिफरेंस किससे रिलेट करता है, कन्वर्जन रिएक्टिव डिसऑर्डर है। ऑप्शन में ओसीडी, एंजाइटी या फिर फोबिक, बट यहाँ पर ला वेलर इंडिफरेंस किससे रिलेट करता है, डिसऑर्डर है, कन्वर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डाइसल्फ्राम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन। तो डाइसल्फ्राम थेरेपी किसके लिए यूज़ की जाती है, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट के लिए, जो एज एन डिटरेंट थेरेपी का काम करेगी, तो क्या, डाइसल्फ्राम मेडिसिन और डाइसल्फ्राम थेरेपी। इसमें आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर इज एबल टू स्पीक फ्रीली विथ सर्टेन पीपल ओनली एंड इज नॉट एबल टू स्पीक विथ अदर स्पेशली विथ सर्टेन सोशल ग्रुप सच एज क्लासमेट एट स्कूल। तो यहाँ पर एक पर्सन अच्छे से बोल सकता है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको, फ्रीली बात कर सकता है, लेकिन वो कुछ लोगों से बात नहीं करेगा, कुछ से करेगा, हो सकता है अपने वो क्लास के क्लासमेट से ही बात ना करे, तो किस टाइप की प्रॉब्लम है।
ऑप्शन में म्यूटिज्म, एफेजिया, सिलेक्टिव म्यूटिज्म या फिर एपिलेप्सी। तो यहाँ पर वो बोल सकता है, तो म्यूटिज्म में तो नहीं हुआ, ना ही उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या होगा, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, क्योंकि वो कुछ गिने चुने लोगों से बात नहीं कर रहा है, बाकी सबसे बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सिलेक्टिव म्यूटिज्म। नेक्स्ट सेक्शन है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग। तो साइकेट्रिक के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओव्यूलेशन इन अ फीमेल विथ 36 डेज साइकिल अकर्स बिटवीन। तो यदि जो ओवुलेशन होता है फीमेल में, जब 36 डे की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है कितनी, 36 दिनों की है, तो ओवुलेशन कब होगा, 22-24th डे में, कब होगा, 22-24th डे के बीच में। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो अभी सीरीज स्टार्ट की उसमें बताया है। तो जब यूट्रस अंदर की तरफ ही टर्न हो जाए तो क्या है, यूट्राइन इन्वर्जन। ऑप्शन में प्रोलैप्स, एंटीवर्जन या फिर रेट्रोवर्जन। तो एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन में तो नॉर्मल वे में ही प्रेजेंट होती है, रेट्रोवर्जन में आउटसाइड बाहर की तरफ क्या होगी, रिवर्ट होगी, बट अंदर की तरफ होती है तो यूट्राइन इन्वर्जन। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ मैटरनल एंड फीटल डेटा अगेंस्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर ऑन अ सिंगल सीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड। तो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है मैटरनल और फीटल डेटा की, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आ रहे हैं नहीं, बेबी की हार्ट रेट क्या है, कितना हेड डिसेंट हुआ है, सभी चीज़ें एक सिंगल सीट ऑफ पेपर में होंगी, तो ये क्या कहलाता है, पार्टोग्राम। ऑप्शन में टोकोग्राम, कार्डियोटोकोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राम या फिर पार्टोग्राम। तो ये क्या है, पार्टोग्राम, और ये प्रोसीजर किया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, पार्टोग्राफी। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स इज। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स है वो क्या है, ऑप्शन में रेक्टोसील, सिस्टोसील, प्रोसीडेंसिया या फिर एंटेरोसील। तो जो सिस्टोसील है, कल ही मैंने आपके लिए अलग अलग तरीके के प्रोलैप्स पढ़ाए थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स हो रहा है वो क्या होगा। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स हो रहा है वो क्या है, सिस्टोसील, सिस्टोसील, जिसमें ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर नीचे की तरफ प्रोलैप्स हो जाएगा, या तो ये वेजाइना के आ जाएगा या फिर यूट्रस के पास आ जाएगा। सबसे कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स क्या है, ब्लैडर प्रोलैप्स। तो ब्लैडर जब क्या होगा, प्रोलैप्स होगा कहाँ पर, वेजाइना में, तब ये क्या कहलाएगा, सिस्टोसील। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज बाय। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब मानी जाती है, ऑप्शन में क्राउनिंग ऑफ द हेड, एक्सपल्सन ऑफ फीटस टिल द प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर चारों स्टेज बता दी गई हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स पूरे तरीके से 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। फीटस का एक्सपल्सन कब होगा, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा, वो होगा थर्ड, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। तो फेलोपियन ट्यूब की लंबाई है जो कितनी होती है, तो होती है 7 से 12 सेंटीमीटर, 7 to 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं पूछी, फेलोपियन ट्यूब पूछी है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ 7 to 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द ब्रिम इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस में ब्रिम का शेप कैसा होगा, ऑप्शन में ट्रायंगुलर विथ बेस टुवर्ड सैक्रम, स्क्वायर, वेल राउंडेड या फिर ओवल। तो ओवल शेप जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, ब्रिम किस शेप में होगी, ओवल शेप में। नेक्स्ट इज द सूचर दैट सेपरेट द पेराइटल बोन फ्रॉम द टेबुलर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन इज कॉल्ड। तो इस टाइप के सूचर क्या कहलाएंगे, लैम्बडॉइडल सूचर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी उसमें दे दिए जाएँ, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है, तो यहाँ पर आपके लिए अलग से इमेज इंसर्ट करना आपके लिए कंफ्यूजिंग रहता है। इसीलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप के हैं, जैसे यहाँ पर कहा है कि जो पेराइटल बोन्स को टेबुलर पोर्शन और ऑक्सीपिटल बोन के यहाँ पर जोड़ेगा तो क्या है, लैम्बडॉइडल सूचर। जितने भी सूचर हैं किन बोन के बीच में फॉर्मेट होंगे, तो वो आपको एक नेक्स्ट सेपरेट इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगन्स टुवर्ड द एंड ऑफ द एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट फीटल लाइफ। तो यूरिन का फॉर्मेशन फीटल लाइफ में कब स्टार्ट हो जाता है और फीटल लाइफ तक होता रहता है, तो ये होता है 11 से 12 वीक के बीच में।
एट ऑफ द 11 to 12 वीक्स में क्या होगा, फीटस खुद के यूरिन है जो फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज द सेटिंग ऑफ फीटल हेड इनटू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड। तो क्या है, फीटल हेड का ब्रिम में इंसर्ट होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में क्राउनिंग ऑफ हेड, लाइटनिंग, इंगेजमेंट या फिर डिसेंट। तो ये सभी मैकेनिज्म ऑफ लेबर की प्रोसेस दी हुई है। तो फीटल हेड जब क्या करेगा, ब्रिम पेल्विस की ब्रिम में जाता है तब क्या कहलाएगा, लाइटनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। नेक्स्ट इज एट अबाउट हाउ मच ऑफ जेस्टेशनल द हाइट ऑफ द यूट्रस इज एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। तो यूट्रस की हाइट अम्बिलिकस तक कितने वीक के जेस्टेशन में हो जाती है, तो होती है 20 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। नेक्स्ट इज द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। तो जो ओवेरियन साइकिल है किसके द्वारा इनिशिएट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, FSH हार्मोन के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवेरियन साइकिल को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ओवेरियन साइकिल किस हार्मोन से इनिशिएट होगी, FSH हार्मोन से। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन प्रीमिंग रैबिडा इज। तो प्रीमिंग रैबिडा मदर में फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होने वाली है, तो नॉन एंगेजमेंट होता है और बेबी टर्म है, फुल 37 वीक कंप्लीटेड है। मेन रीजन क्या है उसका, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है इसका करेक्ट सिक्वेंस क्या है, तो वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आप ऐसे याद रखें PMAT, तो आपको याद रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट इज द यूट्राइन फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विथ। यूट्राइन फाइब्रॉइड किस रिलेट करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, साल्पिंजाइटिस, साल्पिंजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, साल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। वेजाइना में इन्फ्लामेशन होता है तो वेजेनाइटिस, सर्विक्स में होता है तो सर्विसाइटिस, एंडोमेट्रियम और जो कि लेयर है तो वहाँ पे होता है तो उसको एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, एम्पुलरी रीजन इन द फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट इज द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज और चीक बोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज और चीक बोन्स, गालों के यहाँ पर जो ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं प्रेगनेंसी में, वो क्या कहलाते हैं, जिसको प्रेगनेंसी फेस मास्क कहते हैं, वो एक कोलाज्मा। नॉर्मल सिचुएशन में आपको यदि रहते हैं नॉन प्रेगनेंसी में तो मेलाज्मा, प्रेगनेंसी में होते हैं तो कोलाज्मा और चैडविक हैगर्स लाइना नियाग्रा, ये सभी प्रेगनेंसी में होने वाले ही साइन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, द एप्रोप्रिएट एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा एट बर्थ इज। तो प्लेसेंटा का बर्थ के टाइम पर कितना वजन होता है, तो 1/6 ऑफ द बेबी, यहाँ पर जो वेट होता है 500 ग्राम होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो 508 ग्राम। राइट आंसर इज साइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो PCOD में कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH हार्मोन, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नाउ अडेज फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली प्रॉब्लम यही है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज अर्ली परपीरियम एक्सटेंड। अर्ली परपीरियम कब माना जाता है, ऑप्शन में है अंटिल 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, अप टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिलीवरी, अंटिल द 13 वीक ऑफ पोस्टपार्टम या फिर अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम। तो परपीरियम का पीरियड ही टोटल 6 वीक का होता है, तो आपको याद रखना है अर्ली परपीरियम पूछते हैं तो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया का साइन कौन सा है, तो प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। ऑप्शन में फेसियल हेयर, हाइपोटेंशन, वेट लॉस या फिर प्रोटीन यूरिया। तो प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, एडिमा होगा, वेट गेन होगा, ना कि वेट लॉस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट इज अ नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट्स। तो अम्बिलिकल कॉर्ड किससे मिलके बनती है, 2 arteries and 1 vein। जो 2 arteries हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, जो 1 vein है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी बेबी के लिए।
तो अम्बिलिकल कॉर्ड किससे मिलके बनेगी, टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वन वेन. नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फीटस बाय, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्लेसेंटा से बेबी के लिए कौन लेके आएगा, अम्बिलिकल वेन. नेक्स्ट इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज द प्रेगनेंसी विच कंटिन्यूज बियॉन्ड, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब मानी जाएगी, तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 280 डेज का, तो यहाँ पर ऑप्शन उस टाइप के नहीं है, तो ऑप्शन में 250, 200, 170 है, तो जो पोस्ट टर्म मानी जाएगी तो 280 दिन से ज़्यादा होगी तभी मानी जाएगी, 280 डेज से ज़्यादा होगी, मोर देन 280 डेज, तो यहाँ पर आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि यही ऑप्शन है जो कि 294 डेज है जो बता रहा है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सरकमफेरेंस एट बर्थ, तो आइडियल न्यूबॉर्न बेबी का जो एक आइडियल एवरेज हेड सरकमफेरेंस होता है तो वो कितना होता है, 35 सेंटीमीटर. नॉर्मल क्वेश्चन है हेड सरकमफेरेंस कितना होगा एट द बर्थ, 35 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेशनशिप लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू दैट द मदर, तो ये क्या कहलाएगा, फीटल लाइन, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द मदर, तो ये क्या है, फीटल लाइन. नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा, तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है प्लेसेंटा की, कोरियन, इनर है एमनियन, आउटर क्या है कोरियन. नेक्स्ट इज पैक सेल्स आर सीन इन द, तो पैक सेल्स कहाँ पर देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब्स में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द ओवरी, तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको 2-3 डेज पहले ही पढ़ाए हैं, तो जो ओवरी कार्सिनोमा के लिए ट्यूमर मार्कर है वही सेम यूट्रस के लिए भी है, तो वो क्या है, कैंसर एंटीजन 125. नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो पीरियड्स का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, मेनार्ची, मेनोपॉज का मतलब होता है सजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बट यहाँ पे कहा है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो आंसर क्या होगा आपका, मेनार्ची. नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफ द 6 to 7 million ओसाइट्स अवेलेबल हाउ मेनी आर रिलीज ड्यूरिंग द ओवुलेशन, तो 6 to 7 million ओसाइट्स होते हैं बट उसमें से ओवुलेशन में कितने रिलीज होते हैं, तो 400 to 500, बाकी सभी जो एसिडिक नेचर होता है उसके कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर द सर्वाइकल डायलिटेशन पर आवर इन प्रीमी ग्रेविडाइज अप्रॉक्सीमेटली, तो फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलिटेशन 1 घंटे वो भी प्रीमी ग्रेविडा में कितना होगा, 1.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, तो गर्ल्स में प्यूबर्टी का करेक्ट सिक्वेंस क्या है, तो ये थेलार्ची, प्यूबार्ची एंड आफ्टर दैट मेनार्ची. TPM याद रखें, TPM, तो इससे आप कहीं कहीं पर मेनोमिक्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपने खुद के बनाए हुए कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप TPM याद रखेंगे तो प्यूबर्टी की पूरी सीक्वेंस आपको याद रहेगा, थेलार्ची, प्यूबार्ची एंड मेनार्ची. नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम हेमरेज इज द कंडीशन इन विच देयर इज लॉस ऑफ मोर देन हाउ मच ml ऑफ ब्लड पर वजाइना, तो PPH कब कंसिडर किया जाएगा, जब जो ब्लड लॉस है कितना हो जाए, मोर देन 500 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, वो भी वजाइना से, तो क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज. और यहाँ पर ऑप्शन में पूछा है कितने ml, तो होगा 500 ml. नेक्स्ट इज द नॉर्मल अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न बेबी की जो नॉर्मल अपगार स्कोर कितनी होती है, मोर देन 7 और उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 7 and above, जो मैक्सिमम होता है 10 और जो सही नॉर्मल स्कोरिंग होती है वो कितनी, 7 and more. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम, तो हेल्प सिंड्रोम का फीचर कौन सा नहीं है, HELLP, हेल्प सिंड्रोम का फीचर कौन सा नहीं है, ऑप्शन में राइट लिवर एंजाइम, इसोनोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोलाइटिक एनीमिया. तो जो हेल्प सिंड्रोम में क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होगी, लो प्लेटलेट्स काउंट होगा, बट यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, इसोनोफीलिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होगा लो प्लेटलेट काउंट, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, बट जो नहीं होगा तो क्या होगा, इसोनोफीलिया. नेक्स्ट इज द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो अपने बेबी का पहला एक्टिव फीटल मूवमेंट फील होगा मदर के लिए, वो क्या कहलाएगा, क्विकनिंग. नेक्स्ट इज द मैन्यूवर कॉमनली यूज टू मैनेज शोल्डर डिस्टोकिया इज,
तो कौन सा मैन्यूवर यूज़ किया जाता है शोल्डर डिस्टोकिया को मैनेज करने के लिए, तो है मैक्रोवर्ट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थाल्मिक न्यूनेट्रम। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ऑप्थाल्मिक न्यूनेट्रम का, तो क्या है निसीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में टोटल 4 डिसीज होती हैं इंक्लूड, तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट का जो पार्ट नहीं है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिसीज होती हैं, यहाँ पर 4 डिफेक्ट रहेंगे इसमें टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है वो क्या होगा, तो होगा पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। क्या होगा पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, यहाँ पर 4 डिफेक्ट होते हैं वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड अओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओपनिंग इन सेप्टम या फिर पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। तो ये 4 क्या है डिफेक्ट है, बट जो नहीं है वो क्या है पीडीए। नेक्स्ट इज एन इंजरी टू द अपर ब्रैकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन। यदि इंजरी हो जाती है अपर ब्रैकियल प्लेक्सस में तो उसके कारण क्या होगा, अर्ब्स पाल्सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल एज फॉर क्लोजर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल ऑफ अ चाइल्ड। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल अलग अलग एज में क्लोज होते हैं, तो यदि एंटीरियर हैं जो बाद में क्लोज होते हैं बच्चों में जनरली 18 to 24 मंथ की एज में, और जो पोस्टीरियर होते हैं वो 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाते हैं, और जो एंटीरियर है वो थोड़े लेट क्लोज होते हैं 1.5 साल तक की एज में होते हैं। तो आंसर होगा आपका 18 to 24 मंथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। तो मीजल्स का जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन में लेरेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या फिर इनसेफेलाइटिस। तो जो कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो क्या है, ASD। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर देखने को मिलता है वो क्या है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट बताए गए हैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपका जो आंसर है यहाँ पर आपको उनके याद रहना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD का जो साइन है वो कौन सा नहीं है, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी, डिफिकल्टी इन ईटिंग या फिर ओवर एक्टिविटी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी में बच्चा खूब खाएगा ना कि खाना छोड़ देगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिफिकल्टी इन ईटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रायोसोमी। तो ट्रायोसोमी 21 का फीचर नहीं है, ऑप्शन में फ्लेट नेजल ब्रिज, प्रोट्रूडिंग टंग, लॉन्ग हैंड एंड फिंगर या फिर स्मॉल नोज। तो ट्रायोसोमी 21 में ना तो हाथ लंबे होंगे ना ही फिंगर लंबी होंगी, इवन हाइट बिल्कुल कम रहेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट इन अ हेयर पैच ऑन द बैक ऑफ अ चिल्ड्रन। तो जो टफ्ट हेयर कहलाते हैं, एग्जाम में आपको टफ्ट हेयर भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हेयरी पैचेस रहेंगे तो वो किसमें होंगे, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में, जो कि एक डिफेक्ट है एट द बर्थ बच्चों में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें टफ्ट हेयर या फिर हेयरी पैचेस देखने को मिलेंगे बैक में। लास्ट क्वेश्चन है द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय। तो BFHI को किसने लॉन्च किया था, यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल को। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहे, वीडियोस को पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पता चले। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। नेक्स्ट जो आज इवनिंग में वीडियो आएगा वो आपका कर्नाटक CHO NORSET की न्यू सीरीज आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।